मैं संध्या को आप देख रहे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देते हैं। चलते हैं दोस्तों वीडियो में। व्हाई मुस्लिम लीडर्स ऑफ इंडिया इन्वॉल्व इन क्राइम, नाजिया इलाही खान ने खोला पोल। खैर देखते दोस्तों पहले वीडियो और फिर उसमें बात करते हैं। इस्लाम इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप डकैती कर लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं बीवी को खूब पीट दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं। आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही है राशिदी को? वो आप एक देखें ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश हो, संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर टॉपिक कुछ और था और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के तीन तीन और ऐसे मोबाइल दिखा दिखा करके, ये नाजिया का तीन तीन मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने तीन तीन शादी किया है, एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं तीन करूं या ये उसका कंसर्न नहीं है, मेरे घर में मेरा बाप है और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा, बदतमीज, आवारा, लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है, मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकता। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत से नाजिया इलाही खान जी, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है और आजकल तो हर जगह पर लोग जो है इनका इंटरव्यू और इनकी बात सुनकर जो है वो दाद दिए बगैर नहीं रह सकते, तो हमने आज एक दफा फिर उनको इन्वाइट किया। थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम, भारत माता की जय और हर हर महादेव। वालेकुम अस्सलाम भाई, बहुत अच्छा लगा। आप जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ किसी अच्छे टॉपिक को ही आप मुझे देते हैं और उस टॉपिक को मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने पूरे एफर्ट के साथ और अपने पूरे होमवर्क के साथ मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। जी आप पूरा इंसाफ करती हैं अपने काम के साथ और बड़े अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करती हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी समझे, इंडियन तो समझ ही जाते हैं, पाकिस्तानियों के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी इस चीज को समझा करें कि ये क्या आपको समझाना चाह रही है। तो आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे बात वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो जनूबी पंजाब इलाका है वहां पर रहीम यार खान के साथ कच्चे के इलाके में पुलिस वैन एक खराब हो गई, वो कच्चे का इलाका डाकुओं का इलाका कहलाता है, तो डाकुओं को जब वहां पर खबर मिली कि एक पुलिस वैन खराब होगी, 20 पुलिस एहलकार थे वहां पर, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया, रॉकेट लॉन्चर उनके ऊपर फेंका और जदीद तरीन जो आर्टिलरी गन है उसके साथ उनके ऊपर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 12 जो पुलिस एहलकार है वहां पर मारे गए, उनमें से 3, वैसे बताने की बात है कि वो उनमें से हिंदू भाई भी थे, 3 जो 12 शहीद हुए 3 हिंदू भी उसके अंदर शहीद हुए हैं और बाकी जो 6-20 थे तो 7 जो है वो जख्मी हो गए, एक को उन्होंने वहां से अगवा कर लिया और आज फिर कुछ बारगेनिंग की गई है पुलिस की जानिब से
और डाकुओं की जानिब से, तो उस एक जो अगवा किया गया था उसको वापस पुलिस ने ले लिया। तो इस तरह 12 जाने गई हैं और ये डाकू इतने पावरफुल हैं कि किसी को भी शहर से उठा लेते हैं, रहीम यार खां से, सादिकाबाद से, किसी और शहर से, और वो ले जाते हैं वहाँ पर जाकर फ़ोन करते हैं उसके घर वाले को कि इतने करोड़ रुपए आप हमें पहुँचा दें और अपना जो बंदा है वो ले जाएं, और अगर वो पैसे नहीं पहुँचाते तो उसको वहाँ पर मार दिया जाता है। तो इतने तकरीबन 20-25 सालों से ये काम हो रहा है वहाँ पे, पुलिस, रेंजर्स और जो एलीट फोर्स है हमारी, क्विक रिस्पॉन्स जो फोर्स है, वो ये सारी की सारी नाकाम हो चुकी है उनके खात्मे में। तकरीबन ये 300-400 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर 200-300 के करीब ये डाकू हैं कि जो जिन्होंने पूरा कंट्रोल वहाँ पर हासिल कर रखा है। तो ये आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक इतनी ज़्यादा कीमती जाने गई हैं आपके यहाँ पर, डॉक्टर मोमिता वाला अलमनाक एक हादसा जो हुआ उसके लिए पूरे भारत के हर शहर से लोग जो हैं उनके साथ यकजहती के लिए निकले बाहर, लेकिन यहाँ पर 12 लोगों की जाने गई, कोई बाहर नहीं निकला, किसी ने एहतजाज नहीं किया कि ये क्या जुल्म हुआ, क्या हुआ। एक तो ये मैं समझूंगा कि ये क्या वजह है। दूसरा ये डाकू जिस तरह एक इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर डाकू भी वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो अपनी वीडियो जब दिखाते हैं वो नमाज पढ़ रहे होते हैं, डाकू कुरान पाक की तलावत कर रहे होते हैं, और जिनको अगवा करते हैं वो भी मुसलमान, ये मुसलमान मुसलमानों को अगवा कर रहे हैं, तावान भी लेते हैं और मारते भी हैं। और दूसरा, आप में और हम में फ़र्क क्या है कि आप जिस तरीके से हक के लिए बाहर निकली हैं, आवाज़ उठाई, आपकी आवाज़ जो है वो सुनी भी गई है, क्या आप दोनों में क्या फर्क देख रही दोनों वाक्यात के अंदर? देखिए मुजफ्फर भाई, जब भी मुझसे कोई ऐसा सवाल करता है ना कि मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान ही डाकू होता है और मुसलमान कोई अगवा करके फिर पैसे का डिमांड करता है और फिर मार देता है, मुझे सच में हंसी आती है, मुझे कोई शॉकिंग नहीं लगता है, मुझे मैं बड़ा नॉर्मल लेती हूँ। हो सकता है कि आप भी जानते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जानती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुफ्ती हैं, बहुत सारे जो मौलवी हैं, वो गौस पाक के बारे में और कोई अजमेर शरीफ के बारे में बड़ी लंबी लंबी बातें करता है कि जुबान पे गौस पाक लिए रहो, जुबान पे अजमेरी बाबा को लिए रहो, तुम यहाँ जमीन पर भी बहुत अच्छे रहोगे और तुमको जन्नत भी मिल जाएगी। क्या वो शिर्क नहीं कर रहा है? बिल्कुल। क्या वो शिर्क नहीं कर रहा है? क्या इस देश के, इस दुनिया के हर मुसलमान को ये नहीं पता है कि वो शिर्क कर रहा है? तो उसके लिए तो सर तन से जुदा का नारा नहीं लगता है, नहीं उसको नहीं। तो फतवा दे करके उसको तो इस्लाम से बातिल नहीं किया जाता है, बॉयकॉट नहीं किया जाता है। जब मुसलमान पुरुष बलात्कार करते हैं मेरे देश में, मैं अपने देश का क्यों छुपाऊंगी, बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी, या आपके देश, आपका तो इस्लामिक कंट्री है, आप तो अल कुरान के मान को मान करके ही उस देश को चलाया जा रहा है। हम, मेरा संवैधानिक देश है, हम संविधान को सर्वोप्रिय रखते हैं और सर्वप्रथम रखते हैं, लेकिन जब हमारे देश में भी पैरेलल चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शरिया लॉ मनवाने की बात हो रही है लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट मनवाने की बात नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, ना आपके इस्लामिक देश में और ना मेरे संवैधानिक देश में। तो जब मुसलमान बलात्कार करते हैं, मस्जिदों के अंदर करते हैं, अभी दिल्ली में देखिए ना, 48 घंटे पहले की घटना है कि एक मदरसे के बच्चे को तीन बच्चों ने मिलकर के मार डाला, मर्डर कर दिया, और उसमें हाफिज जी भी इन्वॉल्व थे, और बच्चे तो पकड़ा गए हैं पर हाफिज जी जो थे वो अपना मोबाइल ऑफ कर करके भाग गए। अब ये धीरे धीरे जब केस खुलेगा तो पता चलेगा कि पता नहीं हाफिज जी क्या करवाता था, अनल सेक्स करवाता था, ना ब्लो जॉब करवाता था, जो बच्चा नहीं मान रहा था क्या कर रहा था, या नशा बिचवाता था या नशा करता था। पर पूरे दिल्ली में एक भी मुसलमान बाहर नहीं आया और वो ये नहीं कहा कि ये गुस्ताखे रसूल है, ये हमारे इस्लाम का नाम खराब किया है ये हाफिज, और ये हमारे इस्लाम के लिए एक बदनुमा दाग है, हम इसके अगेंस्ट में फतवा जारी करेंगे और इसको हम इस्लाम से पहले ही बातिल करते हैं, अब कानून जो चाहे उसके साथ करे। क्या किसी ने बोला? बोलेगा भी नहीं। किसी जो, मैं जिस भी मुस्लिम कंट्री के चैनल्स पर बैठती हूँ
वो बड़े बड़ा मतलब मायूसी के साथ बोलते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है पर कोई नहीं निकलता है। आपने डॉक्टर बेटी के बारे में जो आर्टिकल में इतनी ब्रूटल रेप और इतना हीनियस क्राइम हुआ और मर्डर, आप मुझे बताइए कौन मुसलमान निकला उस बलात्कारी के खिलाफ, किसने मोर्चा खोला? असदुद्दीन अवैसी का आपने एक भी बयान सुना कि उस बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करो और फांसी की सजा दे दो? आपने मौलाना अरशद मदनी का एक भी बयान सुना है? क्या उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, पूरी दुनिया प्रदर्शन कर रही है, पूरी दुनिया प्रोटेस्ट कर रही है उसके इंसाफ के लिए, पर मदनी साहब का एक भी बयान नहीं आया? मदनी साहब, अवैसी साहब बहुत बिजी है कि वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है उसको खत्म किया जाए, वो उसमें बिजी है। तो ये अपेक्षाएं, ये एक्सपेक्टेशन हम क्यों रखें? हमें रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए इस्लाम, इस्लाम के बारे में आप मीठा मीठा बोलते रहिए और उसको सामने रख करके आपको जितनी बेहूदगी, बदतमीजी, आवारगी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जिहादी हरकतें करनी है, सब जायज है, सब जायज है। बस सिर्फ आपको ये बोलना है कि हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप मोलेस्टेशन कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप गैंग रेप कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं और आप डकैती कर लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं बीवी को खूब पीट दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं मस्जिद में बलात्कार कर दीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं आप किसी को भी अगवा कर करके पैसा ले लीजिए, हम सारे मुसलमान बहुत अच्छे हैं, हमसे बेहतर कोई है ही नहीं, पैंट का जिप खोलिए और लड़के का भी बलात्कार कर दीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी ही है जो मैंने कहा कि हर गुनाह, हर पाप, हर बेहूदगी, हर बदतमीजी, हर क्राइम, हर जिहादी एक्टिविटीज के साथ साथ आपको ये बोलना पड़ेगा कि हमसे बेहतर तो कोई है ही नहीं, हम तो बहुत खूबसूरत लोग हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हम बलात्कार कर रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन हम तो इस्लाम, इस्लाम बहुत खूबसूरत है। तो आप जब डिफरेंसेस बताने लगते हैं कि यस एग्जैक्टली इस्लाम बहुत खूबसूरत है पर तुम मुसलमान इसको इसको खूबसूरत रहने नहीं दे रहे हो अपनी हरकतों से, तब क्या होगा कि नाजिया के खिलाफ मोर्चा खुलेगा और नेशनल न्यूज पर साजिद रशीदी बैठ करके बोलेगा अरे इसका तो एक हस्बैंड है वो हिंदू है, और जब उसको मैं लीगल नोटिस भेजूंगी कि उस हिंदू हस्बैंड का मेरे को नाम बताओ, तो वो पर्दे में छुपेगा या बाथरूम के पॉट में अपना मुंह डालने के लिए परेशान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। अभी देखिए डेस्परेट रहा है हमेशा मुसलमान भी और पाकिस्तान हमेशा डेस्परेशन में रहा है, मुसलमानों के अंदर सेक्सुअल डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर इजी इनकम, आसानी से पैसा कमाने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर हत्या करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर शांति खत्म करने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर कानून को तोड़ने का डेस्परेशन रहता है, मुसलमानों के अंदर बेहूदगी वाली नजरों से औरत को देखने का डेस्परेशन रहता है। तो ये तो बहुत कॉमन है मुजफ्फर भाई। आप सोचिए कि आपका पाकिस्तान 26 बिलियन डॉलर के खर्च में दबा हुआ है, पर आपके यहाँ आज भी गधा बेच कर करके बम और गोली ला करके दिया जाता है उन्हें डकैतियों को, उन्हें डकैतों को दिया जाता है। आप लोग गधे के, आपका, आपकी सरकार गधे के दूध का व्यापार कर करके अवाम को रोटी नहीं देती है, अवाम को कारोबार काम नहीं देती है, अवाम को खुशहाल नहीं करती है, वो उन जिहादियों को रोटी और बोटी पहुंचाती है। तो पाकिस्तान के पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री पूरा डेस्परेट है या भारत के मुसलमान डेस्परेट है, इसमें मुझे कोई शॉकिंग तो नहीं नजर आता है। आप मैं जानती हूँ कि ये आपका एक अवेयरनेस प्लेटफॉर्म है और आप चाहते हैं कि इस अवेयरनेस प्लेटफॉर्म से आप बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को आप बेहतर कर सके तो इसी में आपका अचीवमेंट है, या मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या वो चेंज होने को तैयार है? आप सोचिए एक 22 साल की लड़की माशा अमीनी, जिसका इसलिए ईरान में हत्या किया गया और पूरे ऑनर के साथ उसका मर्डर इसलिए किया गया क्योंकि उसने हिजाब नहीं पहना, ये ईरान की बात है ना। उसके बाद फिर कुछ दिन पहले की बात है, 2023 की बात है, मुंबई में एक बहुत यंग लड़की थी रूपाली,
जिसके हस्बैंड ने उसका गला रेत दिया चाकू से, पहले उसको बहुत मारा, बहुत पीटा और उसके बाद फिर उसका गला रेत दिया क्योंकि वो बुरका नहीं पहनना चाहती थी। तो मैंने ईरान की बात भी आपको बताई और मैंने भारत के महाराष्ट्र मुंबई की भी आपको बात बताई। अब बताइए मुसलमान कहाँ पर चेंज है, कहाँ पर वो ऐसा तो नहीं है कि अच्छा पाकिस्तान में तो ही वो गुंडे के तरीके से हैं, तो ही वो रेपिस्ट के तरीके से हैं, नहीं, मुसलमान जो भारत में है वो भी बलात्कार कर रहे हैं और धड़ल्ले से बलात्कार कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे बेहुदा लोगों के साथ बाकी के मुसलमानों का समर्थन है, सपोर्ट है। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानता है कि वो मस्जिद के अंदर रेप करेगा 10 साल की बच्ची का, लेकिन कोई भी मुस्लिम क्लेरिक उसको निकल करके उसको थूकेगा नहीं और उसके अगेंस्ट में कोई फतवा नहीं जारी करेगा या उसको इस्लाम से बॉयकॉट नहीं करेगा या उसका सरतन से जुदा का नारा नहीं करेगा। ये मुसलमान पुरुष बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम कुछ भी कर ले हमें कुछ नहीं होगा बल्कि हमको सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको इसी से रिलेटेड एक खबर भी बताऊं कि सिंध के इलाके में एक पीर साहब ने, जो उस इलाके के पीर हैं, उन्होंने एक छोटी बच्ची का रेप किया 8-10 साल का, और कई दिनों से मुसलसल कर रहे थे घर के अंदर ही अपने बेडरूम के अंदर, वो बच्ची की डेथ हो गई उसकी। जब उसको पीर साहब को उसकी मिसेज ने बताया कि वो बच्ची मर रही है, वो लेके गए उनको, बाद में प्रेशराइज किया गया पुलिस को, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये है कि वो बड़े नवाबी तरीके से रहे। उनके जो मुरीदैन हैं वो भी थाने में पहुंच गए कि हमारे पीर साहब को जो है वो रिहा करें, ये इस तरह का काम नहीं कर सकते, या अगर किया भी है तो ये हमारे पीर साहब, इनको हाथ नहीं लगाना आपने। और ऊपर से यही डाकू इन्होंने भी पैगाम दिया कि इन पीर साहब को आप छोड़ दें वरना हम थाने के ऊपर राकेट फेंक देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि वहाँ उस लोग इलाके के लोग, वहाँ की पुलिस और वो डाकू मिलकर उन पीर साहब को, उन्होंने वो रिहा करवा लिया और वो पीर साहब जो है वो रिहा है। बच्ची के कहाँ गई बच्ची और कहाँ गया वो जुर्म, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आपने दूसरी जो बात की कि असदुद्दीन अवैसी ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया, तो वो कैसे बयान देते? वो अगर बयान देते हैं तो ममता बनर्जी नाराज हो जाती उनसे। तो ये उन्होंने, उनके साथ देखना है ना कि ममता बनर्जी किस तरीके से वो उनको साथ लेके चल रही हैं। तो उन्हें अपनी सियासत बचानी है, उन्हें किसी की जान से कोई गर्ज नहीं है कि कोई मर रहा है, कोई जा रहा है, कहां पर क्या हो रहा है। नहीं मुजफ्फर भाई, ममता बनर्जी साहिबा जो है वो असदुद्दीन अवैसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उनसे कोई रास्ता नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब कई बार पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वो अपनी तकरीर के लिए आना चाहे हैं पर ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया, वो भी स्टेट गवर्नमेंट के लेटर पर उन्होंने इनकार किया कि भैया तुम नहीं आ सकते, क्योंकि ममता बनर्जी भी मुसलमान अपीजमेंट की राजनीति करती हैं और मुसलमान गुंडों को पाल करके राजनीति करती हैं और असदुद्दीन अवैसी भी थरके आजम और जाहिले आजम को पॉकेट में रख करके राजनीति करता है। तो ममता बनर्जी को ये डर रहता है कि अगर असदुद्दीन अवैसी यहाँ पर आ जाएगा और मुसलमान उसकी तरफ बढ़ जाएंगे या उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे तो ममता बनर्जी का जो पॉकेट वोट है मुसलमानों का वो उनसे छिन जाएगा। तो ये जैसे दो डॉन होते हैं, एक दूसरे के इलाके में नहीं जाता, दूसरा उसके इलाके में नहीं जाता। ये चरित्र है असदुद्दीन अवैसी का। अगर एज अ मुस्लिम लीडर लिया जाए तो असदुद्दीन अवैसी के लिए ये कोलकाता आरजीकर की रेप की घटना पॉलिटिकली उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है क्योंकि रेप करने वाला भी मुसलमान है और जो विक्टिम है, रेप करने वाला भी हिंदू है और जो विक्टिम है वो भी हिंदू है। अगर पॉलिटिकली वो चाहते तो इस पर अपनी टिप्पणी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि बलात्कारियों के सपोर्ट में हमेशा असदुद्दीन अवैसी रहते हैं तो बलात्कार बेटी का अगर हिंदू करे तो भी असदुद्दीन अवैसी उसके सपोर्ट में है और अगर मुस्लिम करे तब तो फिर उसने बेहतर ही किया है, अच्छा ही किया है, औरत बनी ही क्यों, औरत को पैदा ही क्यों किया गया है, औरत को बनाया ही क्यों गया है, तलवार खोलने के लिए ही तो बनाया गया है। तो ये फिक्स है असदुद्दीन अवैसी के दिमाग। अभी देखिए हमास और फलस्तीन के मुसलमान जब नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे पर जब इसराइल की बहु बेटियों को नंग धड़ंग करके रोड पर बलात्कार कर करके वीडियो बना रहे थे तो असदुद्दीन अवैसी उन्हीं बलात्कारियों के समर्थन में था ना, उन्हीं बलात्कारियों के सपोर्ट में था ना। तो असदुद्दीन अवैसी का चरित्र हमेशा रहा है वो बलात्कारी कोई भी धर्म का हो
वो उसके खिलाफ कभी नहीं बात करते हैं, वो विक्टिम को भले ही मलाइन कर दें क्योंकि वो महिला है। असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा चरित्र है जो अपनी जिंदगी में कभी भी औरत को इज्जत दे ही नहीं सकते हैं, वो औरत को डोमिनेट करते हैं, वो औरत को जलील करते भी हैं और अपने लोगों से करवाते भी हैं, वो औरत को नीच दिखाते देखते भी हैं और अपने लोगों से दिखवाते भी हैं। असदुद्दीन अवैसी वो है जो औरत को अगर अच्छे शब्द का इस्तेमाल कोई और भी कर रहा होता है, कोई और व्यक्ति कर रहा होता है, तो वो उसकी भी क्लास लगाते हैं कि औरत को अच्छे से इज्जत देकर बात नहीं करना, वो उसकी भी क्लास लगाते हैं। और देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट करना, रेप करना, झूठ बोल करके लोगों से पैसे टानना, या चिटिंगबाजी करना, या डकैती करना, या चोरी करना, ये तो मुसलमानों का एक जॉब है, ये तो मुसलमानों की एक जॉब, एक काम है और ये उनकी हॉबीज है। मुसलमान पुरुष अगर रेप नहीं करेंगे, पीर बाबा अगर रेप नहीं करेंगे, वो छोटी छोटी बच्चियों का पजामा उतार करके अपने घर के अंदर ले जा करके उनके उनका चीरहरण नहीं करेंगे, बिस्तर का ठरकबाजी का सामान नहीं बनाएंगे, तो फिर वो काहे के पीर बाबा, प्रॉपर पीर बाबा हुए ही नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा बढ़ावा उन्होंने दिया है जो इस्लाम को कभी भी अच्छे से समझ करके पढ़ना और समझना चाहे ही नहीं। आप अपने पाकिस्तान में निकले, आप मेरी बात माने, आप मेरे पाकिस्तान में माइक लेकर के अपना बूम लेकर के चैनल का निकले और छोटी छोटी आयतें आप उनको अरबी में पढ़ें और कहें कि बताओ इसकी मीनिंग क्या है। नहीं पता। अगर बता दिया, मेरे नाम का कुत्ता पाल लीजिएगा अपने घर में। मुझे याद है, नमाज पढ़ते उसका मतलब नहीं पता किसी को। मुझे याद है यूएस में एक पाकिस्तानी ड्रग पेडलर था, यूएस में अरेस्ट हुआ था, ये 2016 की बात है, यूएस में अरेस्ट हुआ था और जब उसको बुला, क्योंकि उन लोगों को लगा, यूएस के पुलिस को लगा कि ये पाकिस्तानी है, तो एक अरबिक बोलने वाले पुलिस ऑफिसर को उसके सामने बैठाया गया और जब वो अरबी में बात करने लगा तो वो बोला हम समझते नहीं है इसको, तो पुलिस ऑफिसर यूएस का कह रहा है पर तुम पढ़ते तो हो ना, तुम तो अरबी ही पढ़ते हो, तुम तो इस्लामिक कंट्री के हो, तो बोला हम सिर्फ पढ़ते हैं, हम समझते नहीं है। यूएस का पुलिस ऑफिसर बोला यू आर लाइक अ शिट, यू आर लाइक अ जोकर, कि तुम जिस चीज को पढ़ते हो तुम उसको समझते नहीं हो, तो बोला नहीं हम समझते नहीं, हम सिर्फ पढ़ते हैं। मैं मेरे भारत में कई बार नेशनल न्यूज डिबेट पर मैंने आयतें बोली हैं और मैंने कहा है कि ये आयत ये बता रही है, फिर आप उल्टा क्यों बोल रहे हैं, तो साजिद रशीदी मुझे बोलता है कि तुम एक एक नंबर की आवारा औरत। और ऐसे मोबाइल लेकर के बैठ जाता है हर नेशनल न्यूज पर, ये देखिए ये है नाजिया का, ये तो मेरा बेटा है, ये है नाजिया के मैरिज रजिस्ट्रेशन, ये है मनाजिया ने शादी किया है तीन तीन। अरे तेरे बाप का क्या जा रहा है, मैं तीन करूं या तीस करूं, तेरे बाप का कुछ लेकर के कर रही हूं क्या, और क्यों अब पिछाड़ छुपाए फिर रहा है, जरा दे ना वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल्स देना, और दे मत मेरे वो तीनों शौहर को, खाविंद को, पति परमेश्वर को, सबको ला करके मेरे सामने खड़ा कर दे, अगर है पिछाड़ में ताकत साजिद रशीदी के, तो एक बाप का पैदा अगर है साजिद रशीदी, अगर हराम का पैदा नहीं है, कुत्ते के स्पर्म का पैदा नहीं है साजिद रशीदी, और अम्मा ने एक अब्बा का लेकर के पैदा किया है साजिद रशीदी को, तो तीनों मेरे पति परमेश्वर और मेरे शौहर को खड़ा कर दे साजिद रशीदी, मैं मान जाऊंगी, उस दिन से मैं चैनल पर बैठना बंद कर दूंगी, मैं पैर पकड़ करके माफी मांगूंगी साजिद रशीदी का, अगर एक बाप का पैदा है और साजिद रशीदी की अम्मा ने अगर कुत्ते का स्पर्म लेकर के साजिद रशीदी को पैदा किया है, तब नहीं दिखाएगा। देखिए ये पर्सनल मैटर है, आप एक शादी करें, तीन करें, जितनी भी करें, वो आपका पर्सनल मैटर है, आपके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहा वो, आपके सवालों के जवाब दे। मैं बता रही हूँ क्योंकि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता है ना, मैं जब इस्लामिक सवाल क्वेश्चंस जब उससे करती हूँ तो वो उसका उसके
भाई वो तो टोपी वोपी लगा करके एक यूनिफॉर्म पहन करके लोगों को बेवकूफ बना करके पैसा उठाने के लिए निकला है। अभी तो मैंने FIR निकलवाया है, उसके भाई के ऊपर FIR है चोरी चमारी का, साजिद रशीदी के ऊपर FIR है चोरी चमारी का, मैंने दिल्ली से निकलवाया है, और भी 4-5 जगह से मैंने उसके ऊपर के FIR निकलवाए हैं कि वो कहां। और आपको पता है साजिद रशीदी के परिवार में कोई भी चोरी चुट्टा का काम करते हुए अरेस्ट होता है या पकड़ाता है तो बड़े बड़े संत और महंत को फोन करता है साजिद रशीदी कि मेरे भाई को छुड़वा दो, और ये न्यूज चैनल्स पर बैठता है टोपी लगा करके और अपनी चोरी को और पुलिस से बचने के लिए बड़े बड़े साधु और संत और महंतों को फोन करता है, बाबा प्लीज हमको बचा लीजिए। साजिद रशीदी ना जाने कितना हलाला किया है लड़कियों के साथ, मैं तो खुले आम कह रही हूं कि साजिद रशीदी अगर एक बाप का पैदा है, क्योंकि अब तो मैंने ठान लिया है मुजफ्फर भाई, अब तो मैं साजिद रशीदी को बीच रोड पर मैं उसका चिट्ठा खोलूंगी। मैंने तो दिल्ली में, इंदिरापुरम में, ओखला में और जामा मस्जिद में मैंने 1,00,000 औरतों को जमा किया है और मैंने कहा है कि जिस दिन जिस स्टूडियो में मेरे सामने खड़ा हो गया साजिद रशीदी, तुम लोगों को एक मैसेज करूंगी, आ जाना। पहले उसकी औकात नहीं याद दिलाएंगे, पहले मुझे मेरे 3 हस्बैंड का उसको बुलाना पड़ेगा, मेरे सामने खड़ा करना पड़ेगा। तो आप जिस तरीके से चैलेंज कर रही हैं, आपके खिलाफ एक कंपेन चल रही है, मैंने पाकिस्तान के अंदर भी देखा है, भारत के अंदर भी बायकॉट नाज़िया इलाही खान, और फतवा भी शायद आपके खिलाफ कोई जारी हो जाए, आपको डर नहीं लगता कि ये इस तरह आप ओपनली चैलेंज कर रही है राशिदी को? वो आप एक देखे ना, वो मुफ्ती है, वो फतवा भी जारी करवा सकता है, खुद नहीं करेगा, किसी को बोल के आपके खिलाफ फतवा जारी करवा देगा, तो आप क्या करेंगी फिर? फतवा वहां होता है जो इस्लामिक देश हो, संवैधानिक देश में फतवा मेरी जुत्ती के नीचे हम रखेंगे, मेरी जुत्ती के नीचे मैं रखूंगी। और जब उसने नेशनल न्यूज डिबेट पर टॉपिक कुछ और था और उसने जब बात कर ही दी है कि नाजिया के 3-3 और ऐसे मोबाइल दिखा दिखा करके कि नाजिया का 3-3 मैरिज रजिस्ट्रेशन है, नाजिया ने 3-3 शादी किया है, एक सबसे पहली बात कि उसको चुल क्यों मच रहा है, मैं 3 करूं या, ये उसका कंसर्न नहीं है, मेरे घर में मेरा बाप है और साजिद रशीदी जैसा बेहुदा बदतमीज आवारा लफंगा और झुट्टा लुच्चा जैसा मेरा बाप नहीं है। मेरा बाप बहुत अच्छा और बहुत एडुकेटेड और दीन की जितनी तालीम मेरे अब्बा को है वो साजिद रशीदी अब सपने में भी नहीं सोच सकता है, सपने में भी नहीं सोच सकता है। अब जब उसने दिखा ही दिया है तो ताकत है तो उन तीनों को बुला लो मेरे सामने, इसमें प्रॉब्लम कहां पर है? अब आज मैं अगर आपके ऊपर मुजफ्फर भाई को ये कहे कि मुजफ्फर जो है वो बहुत खराब आदमी है और वो उसके पास 5 बीवियां हैं, 10 बीवियां हैं, तो आप तो कहेंगे ना कि भाई सामने बुला लो, बोल करके क्या फायदा, सामने बुला लो। तो ये बात है। अब आप सोचिए कि जिन जो मुल्ला मौलवी अपनी चीजों को सही साबित करने के लिए लड़कियों को, औरतों को, महिलाओं को डिबेट में बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, वो इनके इनके पक्ष में बात नहीं करेंगे, बलात्कारियों के और डकैतों के, तो और किसके पक्ष में बात करेंगे? उसको ये नहीं पता कि ये गुनाहे कबीरा है, किसी महिला के ऊपर ऐसे बगैर तहकीक के इल्जाम लगाना गुनाहे कबीरा है, उसको ये नहीं पता इतना बड़ा आलम है वो? नहीं, एक्चुअली में मुझे जहां तक अंदेशा है, क्योंकि मैंने तो केस फाइल कर दिया है साजिद रशीदी के ऊपर, उसको दिखाना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना ही दूर भाग ले उसको दिखाना पड़ेगा। और तीनों मेरे जो उसने कहा है कि मेरा 3 शौहर है और जिसमें एक हिंदू है, उसको बुलाना भी पड़ेगा सबके सामने। देखिए, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन मिला है कि जिस किसी ने भी उसको ये इंफॉर्मेशन आधे अधूरे दिए हैं, उससे साजिद रशीदी ने बहुत बड़ा पैसा लिया है, बहुत मोटी रकम ली है मुझे मलाइन करने के लिए, मुझे डिफेम करने के लिए। तो अब मुसलमानों का तो वही है ना, जहां पैसा दिख जाता है कुत्ते की तरह लाल टपकाना स्टार्ट कर देता है। अरे मुसलमान मर्दों को तो पैसा दे दो तो बेटी को भी वो रेप कर दे। बहुत अफसोसनाक ये बात है, बहुत ही दुख वाली बात है कि ये जो इनको तो बनना चाहिए रोल मॉडल, हम आपके लिए ये जो हमारे उलमाए कराम है,
पाकिस्तान के, भारत के, ये इनका किरदार तो इतना क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए कि हम मिसाल दें कि ये देखें जी, ये हमारे उलमा कराम हैं, ये इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, आप इनकी तरफ देखकर इस्लाम को कबूल करें या इस्लाम की कम अज कम रिस्पेक्ट करें। जब हमारे रहनुमा, हमारे लीडर, हमारे ये जो उलमाए कराम हैं, वो इस तरह की जहनीयत, इस तरह का माइंडसेट, इस तरह के किरदार के हामिल होंगे तो कौन इस्लाम की रिस्पेक्ट करेगा, ये बताएं मुझे एंड में। बस देखिए मुसफ्फर भाई, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर किसी लड़की की शादी हो रही है और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठी है तो आप अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसकी इज्जत बचाने के लिए आप अल्लाह की कसम भी खा सकते हैं उस बेटी की इज्जत बचाने के लिए। हमने बचपन से अपनी नानी अम्मा और दादी अम्मा के मुंह से सुना कि जिस घर में बेटी नहीं होती है ना, उस घर की दहलीज की इज्जत की जाती है। हमने हमेशा अपनी अम्मा और अब्बा के मुंह से सुना कि जो शख्स घर की बेटियों की इज्जत नहीं करता या जो मुसलमान शख्स बेटियों की इज्जत नहीं करता उससे रसूल पाक नाराज होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीपी सपोनियम अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे अपनी बेटियों के लिए। तो बेटियां उनको बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। और जिस हिसाब से साजिद रशीदी ने मुझे बेइज्जत करने की कोशिश की है, असदुद्दीन अवेसी के प्रवक्ता ने मुझे जलील करने की कोशिश की है, मेरे सवाल का जवाब कभी नहीं देता है, सीधा मेरे कानून पर आ जाता है। तो मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके मैं साजिद रशीदी के जितने बाल बच्चे हैं उस पर 30 पारा का अजाब पड़े और इतना कहर नाजिल हो कि साजिद रशीदी जो चंदाखोरी कर रहा है जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक, उसकी पुश्त दर पुश्त सिर्फ चंदाखोरी और भीख मांग करके ही अपना गुजारा गुजर बसर करे। और मैं जरूर इंक्वायरी करवाऊंगी कि उसका जो टूर एंड ट्रैवल चलता है उसमें क्या 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 जिहादी हरकतें होती हैं, वो भी मैं जरूर करवाऊंगी। तो ये वो मुल्ला है मुजफ्फर भाई, या डकैत के बारे में जो आपने टॉपिक उठाया, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के लिए, इस्लाम वाले नहीं है, ये वो मुसलमान है जो औरंगजेब की पैदाइश है, ये वो मुसलमान है जो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर, इस्लाम पर एक बदनुमा धब्बा है और अपने मुफाद के लिए, अपने आप के लिए, अपनी लैविश लाइफ के लिए सिर्फ इस्लाम को अपनी रोजी रोटी बना करके रखे हुए हैं। इसके अलावा ना ही ये मुसलमान है और ना ही ये अल कुरान को मानते हैं और ना ही ये इस्लाम को मानते हैं। मुझे तो जो पाकिस्तान के डाकू हैं और आपके ये साजिद रशीदी हैं, इनमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, दोनों का काम एक जैसा ही है। वो बंदूक के जरिए कर रहे हैं और ये अपने यहाँ पर जो क्या कहूँ कि ये इस्लाम के जोर पर अपना जो ये इनके पास ओहदा है उसके जोर पर ये कर रहे हैं। तो आप अपने आप को सेफ रखिएगा, ये कुछ भी आपके खिलाफ यहाँ पर काम हो सकता है। मैं हमेशा से हम और आप हमारे जो देखने वाले आपके लिए दुआगो रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच, मातरम भारत माता। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। नाजिया इलाही, जिस तरह आपको पता ही है, अब क्या इस पर बोले। हाँ, एंड में उन्होंने बातें काफ़ी अच्छी और सुलझी की हैं और हम इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जो शख्स अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता या जो शख्स औरत की इज्जत नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खास करके जो अपनी बेटी की इज्जत नहीं करता, उसको इज्जत नहीं देता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ होते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न इखलाक था, जब पाक ज़हरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाती थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते थे बेटी की इज्जत में, तकरीम में, कि बेटियों को कैसे इज्जत देनी होती है। सुनो, अब खुद सुनो, ये नाजिया इलाही बोल रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी, या इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, जो मुझे नहीं इल्म, नहीं बोलूँगा, इतना पता है कि जब पाक ज़हरा उनकी जो साहबजादी थी, जब वो घर तक मतलब अपने वालिद के घर तशरीफ लेकर जाती थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल के लिए और उनका अक्सर माथा चूमते थे, परेशानी चूमते थे। अच्छा भाई रुखसार, और ये है इज्जत और ये है इस्लाम। बिल्कुल, बात यहाँ पर मैं ये करता चलूँ कि आप जिसकी तशबीह दे रहे हैं ना, तमाम बहन बेटियों से लाजमन इज्जत करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि औरत ज़ात की, ख़ास करके बेटी की ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, आप जिस हस्ती की तशबीह दे रहे हैं ना हमारी अपनी बहन बेटियों से,
हमें चाहिए कि फिर जो हमारा हमारा तरबियत का मियार है ना मेरे भाई, वो भी उतना ही बुलंद होना चाहिए। उनको तरबियत ऐसी की जाए, उनको तालीम इस अंदाज से जवान किया जाए कि वो वाकई इज्जत के लायक। अच्छा, वो एक अक्सर पूरी वीडियो के अंदर एक ही दो शख्स का सारा उसने जिक्र किया, नाजिया लाइन, एक स्टूडियो वैसी और एक राशिदी या रुश्दी, क्या कह रहे थे इस तरह का था। तो अस्तुद्दीन अवैसी के बारे में बात की गई कि वो मुसलमानों को भड़का भड़कू कर मतलब लेता है, अपना वोट बैंक उसने बनाया हुआ मुसलमानों को, अदरवाइज उसको ना कोई इस्लाम से दिलचस्पी है ना कोई इस्लाम का वो। इसमें हम नहीं बता सकते कि उसको इस्लाम में कितनी दिलचस्पी है, क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, क्योंकि नीतों का महरम तो मेरा रब है। कोई जो काम कर रहा है वो किस नीयत से कर रहा है ये मेरा रब भी जानता है। अगर वो इस नीयत से कर रहा है कि मैं अल्लाह ताला की जात के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए कर रहा हूँ, लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहा हूँ, वो सही और गलत बता रहा हूँ, तो फिर अस्तुद्दीन अवैसी का यही अमल जो होगा यही उसके लिए सवाब का जरिया होगा और यही अमल उसकी बख्शिश का जरिया भी होगा। तो ये अब डिपेंड करता है उसकी नीयत कैसे, क्योंकि तमाम आमाल का दरअसल सिर्फ नीयत है, बुनियाद नीयत है। अगर आप नीयत के, मैं मिसाल आपको देता चलूँ कि नीयत असल में होती क्या है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी ने ना मतलब ना नशे लकड़ी के बाहर एक ना लकड़ का जिसे हम बोलते हैं वो क्या पंजाबी में डंडा, मतलब डंडा समझ या किला हम बोलते हैं वो ना, जिससे जानवर बांधा करते हैं, तो वो बाहर ना गाड़ दिया। उनकी अब नीयत क्या थी, सोच क्या थी, नीयत चेक करें। उनकी नीयत यह थी कि मुसाफिर भी आते हैं, घोड़े पर आते हैं, ऊंट पर आते हैं, जानवर के साथ आते हैं या किसी सवारी पर आते हैं, उनके साथ जानवर भी हो सकते हैं। तो वो जो उसने गाड़ा आता लकड़ी का, वो जो के यार बोलते हैं उर्दू में, मुझे बार बार निकल जाते हैं, तो वो जो जिस पर जानवर बांधा जाता है उसकी नीयत यह थी कि वो इधर बांध कर अब नमाज पढ़ लेंगे और उनका जानवर गुम नहीं होगा। अब उसकी नीयत ठीक थी। अब कुछ देर बाद एक और साहबी आते हैं, वो उसी जो था वो गाढ़ा हुआ लकड़ का जो था किला बोलते हैं उसको, हाँ, तो उधर उसने वो उखाड़ दिया। उसने अब उसकी नीयत क्या थी, उसकी नीयत यह थी कि नमाजी आते हैं नमाज पढ़ने मस्जिद में, रात को आते हैं अंधेरा होता है, तो इधर को ठोकर लेकर किसी को चोट ना लग जाए। अब दोनों की नीयत ठीक थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये मामला पहुंचा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों की नीयत ठीक थी, इसलिए दोनों को सवाब मिलेगा, लगाने वाले को भी और उखाड़ने वाले को भी, क्योंकि दोनों की नीयत ठीक थी। नीयत थी अवाम की भलाई, अवाम की बेहतरी, ये चीज़ है। अगर तस्तुदी में वैसी नीयत उनकी ये अवाम की भलाई है तो ये अमल उसके लिए सवाब है। तो आगे अब चलते हैं हमास पर, बात आई है नाजिया लाई ने मेरा फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया कि हमास के लोग जो हैं वो नारा तकबीर लगाकर इजरायली लड़कियों की, बच्चियों की, औरतों की रेप करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं। तो उस वक्त अस्तुद्दीन अवैसी या ये राष्ट्रीय दृष्टि जो है ये उस वक्त किधर होते हैं। तो मेरी इस नाजिया बहना और गधे मुजफ्फर से कोई पहुँचा दे मेरी बात गधे मुजफ्फर तक, मैं फैसलाबाद कही हूँ, मुझसे मिले, मैं गधा उसको क्यों बोलता हूँ। गधे मुजफ्फर को और नाजिया इलाही को मेरी रिक्वेस्ट है, होस्ट को भी और गेस्ट दोनों को भी, कि आप प्लीज़ वो मुझे कोई वीडियो दिखा दें कहाँ हमास का बंदा जो है वो उसका रेप कर रहा है लड़की, इसराइल की लड़की का। अगर ना दिखा सके तो फिर वो भी जो मुजफ्फर तो गद्दा है ही है, अहमक है ही है, जहल है ही है, इससे फिर बड़ी जहल नाजिया इलाही से कोई नहीं होगी, क्योंकि वो बोहतान लगा रही है, झूठ बोल रही है। अब ये गधे और गधे मुजफ्फर के लिए भी ये चैलेंज है, और गधे जो उसके साथ उसकी हो गेस्ट है उसके लिए भी चैलेंज है, मुझे वीडियो दो, प्रोवाइड करो, किधर है वीडियो, कहाँ आज तक इतने अरसा हो गया हमास और इसराइल की वार स्टार्ट हो, पहले भी होती नहीं है, मैंने आज तक कोई एक वीडियो नहीं देखी, एक वीडियो इस नहीं देखी। आलोक सर भी अक्सर दावा करते हैं कि भाई ओवन में भून दिया उनके बच्चों को, वो वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, वो भी आई थिंक झूठ ही बोल रहे हैं, आई थिंक क्या बोलते, झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ ना बोलते होते वो हर अलोक सर हर वीडियो के अंदर अपना सबूत देते हैं, उन्होंने नहीं दिया, झूठ बोला, कहा भूने हैं कहा। हाँ उल्टा, अगर अगर इजराइल
को कोई फॉलो करता रहा हूँ, उनके जो फौज के आदमी हैं, और उनकी कोई वीडियो बनाता तो मुसलमानों की हज़ारों वीडियो मिलती हैं लड़कियों की इज्जत इज्जत को बवाल करते हुए और मस्जिदों में बगैर बूटों के समेत जाते हुए और मस्जिदों में लोगों को मारते हुए सब कुछ करते हुए। एक और एक बड़ा अहम इम्पॉर्टेंट वो यूएसए की बात कर रहे थे कि यूएसए का पुलिस ऑफिसर था तो उसने बैठाया गया ना उस पूरे वाक्य को भी बयान कर रहा हूँ। सिर्फ उसने ये पूछा कि आप कुरान पढ़ते हो अरबी पढ़ते हो तो तुम्हें अरबी की समझ नहीं आती क्यों सामने अरबी पढ़ो, उन्होंने हमसे पढ़ते हैं समझ नहीं है। तो जो यूएसए के ऑफिसर ने या पुलिस ऑफिसर ने ये एक स्टेटमेंट दी थी ये बड़ी सही, यू आर शिट, कि वाकई हम आप एक किस्म का एक सिन है, गुनाह, एक बीमारी है, मैं कहता हूँ कमी समझ लें या हमारी है क्या इसको और मैं मजीद नाम दूँ, ये बिल्कुल बात ठीक है, ये हमारे लिए एक शिट की शर्मिंदगी की बात है। हमें समझना चाहिए, हम कुरान से पढ़े ना उसको समझे। यार मुझे पता है यहाँ पर तकरीबन 80% के लोग ना 80-90% लोग वो ऐसे स्वाब समझ कर इसे पढ़ते हैं ना कि ऐसे इलम लेने की वजह से या इसे समझने की नीयत से पढ़ते हैं मेरे भाई। फिर नाजिया जाय ने कहा कि एक सावधानी जो मतलब होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन या जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें मैं रहती हूँ, मुझ पर जो फतवा आ रहेगा वो फतवा मेरी ड्यूटी की नोक पर। अच्छा भाई अगर तो फतवे में जान हुई और बाकी फतवा फतवे के लायक हुआ और आप उसमें बाकी मुजरिम हुए तो फिर मैं इस बहन से एक ही बात करूंगा कि अल्लाह के अजाब से डरना है, फतवा तो फतवा होगा ना जो कुछ भी होगा, आपको मारने के लिए किसी फतवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी एक गैरतमंद का भी अगर बाकी में आप कहीं पर गलत हुई इस्लाम के खिलाफ और किसी एक बंदे की भी और वो भी ठीक हुआ और उसकी गैरत जाग गई तो आपको किसी फतवे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी ये बात सच है, ये ज़हन में रखिए और इस चीज को पूरी तारीख में आप ढूंढ ढूंढ कर जहां भी आपको मिलेगी वहां पर ऐसे हजारों मिलेंगे आपको जो सर उड़ा देते हैं लोगों का नहीं उन मुर्तद लोगों का जो मुसलमान होते हुए गैर मुस्लिम बने और उनका जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ तोहीन अमेज बातें की और इस्लाम पर एक बोहतान लगाया मेरे भाई और अपनी जिंदगी में एज ए मुस्लिम कहते हुए इस्लाम को बदनाम किया। चलो जी खैर मिलते हैं वीडियो में। नॉट अ साथ गॉड ब्लेस यू।